500 से ज्यादा मामले जी उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये नए गाइडलाइंस जो है वो जारी किए जा रहे हैं बैठक के बाद। जितेंद्र भाटी, आपका रुख करते हुए ये बताइए कि वहां पर गाजियाबाद में क्या हालात है, क्या प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, और साथ ही साथ क्या आम जनता भी मुस्तैद नजर आ रही है? कहीं ना कहीं आम जनता से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सावधानी बरते, सजग रहे, तो क्या नजर आ रहा है गाजियाबाद में? ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, गाजियाबाद में कोरोना का विस्फोट हुआ है। अभी ये मान लीजिए 255 नए मामले आए हैं सामने, और इस तरीके से जिस तरीके से जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे कहने के प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। अब जो प्रशासन एक्टिव हुआ है, तो जगह जगह पर अनाउंसमेंट के जरिए मास्क लगाने की हिदायतें दी जा रही है। हालांकि अभी जो पहले शुल्क लगाया जाता था, जो कहे की एक रकम पुलिस को बताई गई थी कि इतनी रकम दी जाएगी अगर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, ऐसी गाइडलाइन अभी नहीं आई। लेकिन डीएम जो है गाजियाबाद राकेश सिंह के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें स्पा, स्विमिंग पूल, जिम पूरी तरीके से प्रतिबंधित। यानी कह सकते हैं कि प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। गुजरात की तरफ रुख करते हुए संजय, आपसे भी जानना चाहेंगे कि चूंकि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, गुजरात के क्या हालात है संजय? अगर बात की जाए तो गुजरात में हालात बहुत ही खराब है। जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने जो एक परंपरा शुरू की थी गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट, उसका जो यहाँ पर शुरुआत होने वाली थी 10, 11 और 12 जनवरी को, उसको आज रद्द किया गया है। और सरकार में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की